हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम श्वेता है और आज का जो ब्लॉग है उसमें मैं ज़्यादा कुछ दिखाने वाली नहीं हूँ, बस आपके साथ में अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि बच्चों के बारे में जो मेरी प्रेगनेंसी सीरीज़ है उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और कुछ जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने ये मुझसे शेयर भी किया है कि वो ट्विंस प्रेगनेंसी है उनका और जल्दी ही उनकी डिलीवरी होने वाली है। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ जो कि आगे जा करके आपको काम आएगा और शायद थोड़ा बहुत मेरा जो एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत आपका हेल्प आ सकता है, हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। तो इसीलिए मैं अभी तो मैं पोहा बना रही हूँ अपने लिए। शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 5:30। यशिका सोई हुई है, रुद्रांश अभी इधर उधर घूम रहा है, खेल रहा है, अभी यहीं पे नीचे में ही है वो। तो मैंने सोचा कि मैं पोहा भी बनाते जाती हूँ और आपके साथ में कुछ बातें भी करते रहती हूँ जो आपके लिए आगे जा करके काम आएगा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, जब बच्चे डिलीवरी के बाद में आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है उनके लिए, सॉरी आवाज़ के लिए, तो आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, एसेंशियल्स क्या क्या है न्यूबॉर्न बेबी के, और उसके साथ ही साथ उनका जो केयर है वो किस तरीके से करना है। इस पे एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि ट्विन जो प्रेगनेंसी होता है, जब ट्विन्स होते हैं जिनको ट्विन्स जिनको होने वाले रहते हैं, तो उनके दिमाग में पता नहीं, एक मेरे दिमाग में भी चलता था लेकिन शायद आपके दिमाग में भी ये बात चलता होगा, तो उनको अलग तरीके से हैंडल करना है, उनके लिए कुछ अलग एक्स्ट्रा से करना है जो सिंगल बेबीज है उनसे हटके होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ट्विन्स मतलब डबल है, दो है, एक को जो करना है वो दो बच्चों को करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो सिंगल बेबी को जिस तरीके से उनका केयर किया जाता है, जो जो चीज़ें सिंगल बेबी के लिए लगती है, जिस तरीके जो जो चीज़ें एसेंशियल होती है सिंगल बेबी के लिए, वो सारा कुछ ट्विन्स के साथ में डबल होता है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। एक चीज़ थोड़ा सा फर्क जो होता है वो ये है कि ट्विन्स का जो डेवलपमेंट होता है वो सिंगल बेबी से थोड़ा सा लेट करके होता है, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो प्री टर्म डिलीवरी हो जाते हैं, मतलब जो समय है समय से पहले हो जाता है। और ये मोस्ट केसेस में मैं बता रही हूँ कि ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि सारे केसेस में ऐसा हो। तो जिन केसेस में प्री टर्म डिलीवरी होते हैं ट्विन्स के, तो उस केसेस में बोल रही हूँ कि डेवलपमेंट थोड़ा सा धीरे करके होता है, बाकी और कुछ भी डिफरेंट नहीं होता है सिंगल बेबी से। और इनको संभालना, ट्विन्स को संभालना, मेरी बात मानोगे अगर आप, तो उतना भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि ट्विन्स है अरे यार मैं कैसे संभालूंगी, किस तरीके से करना है। मैं अकेले सब कुछ करती हूँ, कोई हेल्प नहीं है, घर का भी सारा काम करना है, बच्चों को भी देखना है, उनको भी संभालना है, सारा कुछ करते हुए भी मैंने इनको हैंडल किया है, संभालना है। शुरू के जो 3 महीने थे उस टाइम पे मेरी मम्मी आई थी और मम्मी ने मुझे हेल्प किया था, उसके बाद से लेकर के अभी तक मैंने इनको खुद अकेले संभालना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा दिमाग में ऐसी चीज़ें मत लाइएगा कि हाँ ट्विन्स है, डर जो है ना वो डर निकाल दीजिएगा दिमाग से कि ट्विन्स है तो उनको कैसे संभालना है, कि क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं। सिंगल बेबी को जिस तरीके से संभाला जाता है उसी तरीके से ट्विन्स को भी संभाला जाता है। तो चलिए, बातें बहुत सारी मैंने कर दी, अब काम की बात करते हैं। आज का जो वीडियो है वो मैं 2 पार्ट्स में डालूंगी, क्योंकि थोड़ा सा ना मैं बोलते बोलते क्या कहते हैं वो भावनाओं में बह जाती हूँ, तो इसलिए हो सकता है कि वीडियो लंबा हो जाए, तो उतना लंबा वीडियो आपको भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा 2 पार्ट्स में मैं ये वीडियो डालूंगी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं बेबी के फीडिंग से। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फीडिंग की। तो फीडिंग में देखिए 2 होता है, पहला तो ये है ब्रेस्ट मिल्क, दूसरा हुआ फॉर्मूला मिल्क। तो ब्रेस्ट मिल्क अगर आपका हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क से अच्छा और कोई आहार नहीं होता है बच्चे के लिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है न्यू बॉर्न के स्टेज में, और उससे इम्यूनिटी भी उनको जो भी है वो उसी ब्रेस्ट मिल्क से ही मिलती है। बट इन केस आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो खाने पीने का जो तरीका है, हो सकता है कि जो ब्रेस्ट मिल्क है वो ना प्रोड्यूस हो, या फिर हो सकता है कि बहुत छोटा, मतलब छोटा बोल रही हूँ, मतलब बहुत थोड़ा सा क्वान्टिटी में प्रोड्यूस हो, तो उसमें ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं है कि हाय मेरा बच्चा मतलब भूखा रह जाएगा, मेरा बच्चा क्या पिएगा, मेरा दूध नहीं हो रहा है, मैं फीडिंग कैसे करवाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है।
आपको सिंपल फॉर्मूला मिल्क मिलता है बाजार से, आपके डॉक्टर रेकमेंड जो करेंगे, बहुत सारे वैरायटीज के, बहुत सारे ब्रांड के होते हैं, तो वो आपके डॉक्टर अपने हिसाब से, बच्चे के हिसाब से आपको रेकमेंड करेंगे, वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिफर करता है। मेरे केस में सिमिलैक जो मिल्क है वो रेफर किया था डॉक्टर ने, बहुत सारे डॉक्टर्स नैनप्रो रेफर करते हैं, बहुत सारा फॉर्मूला मिल्क होता है मार्केट में, तो वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, वो कंसल्ट करके ही आप लेना। तो दूसरी जो चीज है, मैं ये बोलना चाहूंगी कि फॉर्मूला मिल्क को लेकर के थोड़े बहुत मिथ्स शायद होंगे कि ऐसा है वैसा है, बहुत सारी लोग बहुत सारी बातें करेंगे, बट आपको दिमाग में एक चीज रखना है कि अगर आपका दूध नहीं हो रहा है तो आपको बच्चे को खाना खिलाना है, उसका पेट भरना है, तो पेट भरने के लिए जो आपको अवेलेबल है आप वही पिलाओ उसको, फॉर्मूला मिल्क अवेलेबल है फॉर्मूला मिल्क पिलाओ। अभी जो तीसरी बात मैं बता रही हूँ आपको कि ब्रेस्ट मिल्क के केस में कुछ वर्किंग लेडीज होती है, घर में उतना ज्यादा मतलब टाइम नहीं दे सकती है बच्चों को, घर में कोई और संभाल रहा होता है, उनको काम भी करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, तो उस केस में क्या होता है कि एक ब्रेस्ट पंप मिलता है, तो ब्रेस्ट पंप आप अपना खरीद लो। दो तरीके के ब्रेस्ट पंप होते हैं, एक होता है मैनुअल, दूसरा होता है इलेक्ट्रिक, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे हर तरीके से वो आप खरीद सकते हो, अमेजन फ्लिपकार्ट कहीं भी किसी भी शॉपिंग पोर्टल में देखोगे तो वो आपको मिल जाएगा, बस ब्रेस्ट पंप आप टाइप करना, रिव्यू चेक करके। ब्रेस्ट पंप से क्या होता है कि आपका जो दूध है वो आप पहले से ही निकाल करके उसको एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में आप रख सकते हो, बाद में जब बच्चे को पिलाना हो तो उसको पानी में वो, या फिर वार्मर आता है मिल्क वार्मर, फूड वार्मर, उसमें आप वार्म करके आप बच्चे को पिला सकते हो। डायरेक्टली कभी भी आग पर मिल्क को कभी भी गर्म नहीं करना है, जब भी गर्म करना है चाहे तो एक पैन में आप पानी रख लो, पानी हल्का सा गर्म हो जाएगा, उसके ऊपर पानी के अंदर में फिर उसके बाद कटोरी में मिल्क डालो या फिर जो भी कंटेनर में आपने मिल्क रखा है वो डालो, फिर गर्म करो। लेकिन डायरेक्टली आग में कभी भी ब्रेस्ट मिल्क को अगर स्टोर करके आप पिला रहे हो तो कभी भी मत रखना, और ये खाने के साथ में भी है, सॉलिड फूड की बात तो मैं बाद में बोलूंगी। इसके बाद आ जाता है कि फॉर्मूला मिल्क को किस तरीके से पिलाना है। फॉर्मूला मिल्क तो वो क्वांटिटी होता है कि इतने से इतने एज तक 15 ml पिलाना है, इतने से इतने एज तक 30 ml, उसके बाद फिर क्वांटिटी अपना बढ़ते जाता है जिस तरीके होता है। जो इंटरवल होता है वो 2-2 घंटे में बच्चे को भूख लग जाता है, तो 2-2 घंटे में पिलाना रहता है। एक चीज फॉर्मूला मिल्क में ध्यान रखना है कि 1 घंटे से ज्यादा रखा हुआ जो मिल्क है वो बच्चे को नहीं पिलाना है, क्योंकि वो फिर खराब हो जाता है, केमिकल्स जो भी है, जो भी कह लो केमिकल प्रोड्यूस्ड तो रहता ही है, तो इसीलिए 1 घंटे तक वो ठीक रहता है। 1 घंटे के वो डब्बे में भी लिखा रहता है कि 1 घंटे तक आप उसको पिला सकते हो, लेकिन उसके बाद जो है वो मत पिलाना, क्योंकि फिर वो फायदा नहीं नुकसान ही करेगा। तो जो भी है, और जो ब्रेस्ट मिल्क है वो आपका फ्रिज में अगर स्टोर कर रहे हो तो 24 आवर्स तक आप वो स्टोर करके रख सकते हो बच्चे के लिए, बच्चे को पिलाने के लिए। तो ये हुआ फीडिंग का, जो भी था वो मैंने आपके साथ में शेयर किया। फीडिंग के बाद में आ जाता है बच्चे का जो पहनाने और ओढ़ाने का जो भी सामान है उसके बारे में मैं बताती हूँ। सबसे पहली चीज है कि अगर सिंगल है तो आप जो भी मतलब कॉटन के क्लोथ्स ही खरीदना, मतलब जो बच्चे के लिए कंफर्टेबल हो, पहनाने में भी कंफर्टेबल हो, बच्चे को पहनने में भी कंफर्टेबल हो, किसी तरह का चुभने वाला चीज ना रहे ड्रेस में, उसके टी शर्ट खरीद रहे हो तो ऐसा चुभने वाला चीज ना रहे, पैंट्स वगैरह जिप वगैरह देख करके आप खरीदो, क्योंकि कुछ कुछ ड्रेसेस वगैरह ऐसे होते हैं जिसमें जिप रहता है तो वो अच्छे तरीके से कवर किया रहता है जिससे कि बच्चे को वो चुभे नहीं, तो वैसा मतलब कंफर्टेबल क्लोथिंग खरीदना। ट्विंस के केस में एक चीज बता रही हूँ मैं, क्लोथिंग तो ऑब्वियसली कंफर्टेबल होगा, कोई डिफरेंस नहीं है, बट एक चीज है जो मैं आपके साथ में एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी ट्विंस के लिए कपड़े खरीदना एक तरह के ही खरीदना, क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चों का क्या होता है ना कि बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बड़े होते रहते हैं और कपड़े बहुत जल्दी जल्दी छोटे होते रहते हैं, तो इतने सारे कपड़े खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद में आप फिर अपना जो भी आपको पहनाने का मन होता है वो आप पहना सकते हो, खरीद सकते हो, लेकिन जब छोटे रहते हैं तो एक तरह के कपड़े पहनना कि दोनों को एक दूसरे को अदल बदल करके आप पहना सकते हो।
तो कंफर्टेबल क्लोथिंग पहनाना उनको, कॉटन के ही पहनाना ज़्यादातर, क्योंकि छोटे बच्चे जो रहते हैं उनका जो स्किन होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो उनको ऐसा कपड़ा पहनाना चाहिए जिससे कि रैशेज ना निकले या फिर उनको चुभे नहीं। तो ये क्लोथिंग का हो गया। इसके बाद मैं आती हूँ कि बाकी ओढ़ाने में क्या क्या चीज़ लेना है। ओढ़ाने में पहली जो चीज़ है वो है, एक तो स्वेडल क्लोथ है। जब एकदम नया जब बच्चा होता है, जब एकदम न्यू बॉर्न है, तो उस टाइम पे स्वेडल क्लोथ लेना पड़ता है कि बच्चे को अच्छी तरीके से रैप करके रखना पड़ता है, क्योंकि जब बच्चा जब डिलीवरी होता है तो उस टाइम पे वो बाहर के एटमोसफेयर में बिल्कुल नया नया होता है और उस टेम्परेचर को अडेप्ट करने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आपको क्या करना है कि उसको हर समय स्वेडल करके रखना है जिससे कि उसको गर्माहट मिलते रहे और उस टाइम पे उसको जो बच्चा है उसको ठंड लगती है। आपको भले ठंड लगे ना लगे, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, बट बच्चों को ठंड लगती है, चाहे वो गर्मी का मौसम में आपका डिलीवरी हो या फिर ठंड के मौसम में डिलीवरी हो, तो बच्चों को ठंड लगती है। गर्मी के मौसम में अगर हो रहा है तो कॉटन के स्वेडल क्लोथ ले लो, अगर ठंड के मौसम में हो रहा है तो थोड़ा मोटे कपड़े में स्वेडल क्लोथ ले लो, जिससे कि बच्चे को अच्छे तरीके से आपको रैप कर लेना है। इसके बाद उड़ाने में और क्या आता है, ब्लैंकेट आता है। ब्लैंकेट आपको लेना है, अगर एसी चला रहे हो, एसी का जो टेम्परेचर है वो 27 से नीचे, बच्चे के साथ में अगर रह रहे हो रूम में तो 27 के नीचे मत रखना, 27 या 27 से ऊपर रखना। डायरेक्ट पंखे के नीचे बच्चे को नहीं सुलाना है, क्योंकि उससे फिर सर्दी खांसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये जो मैं बोल रही हूँ वो खुद से नहीं बोल रही हूँ, मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा था, तो वो मैं आपके साथ में शेयर कर दे रही हूँ। और जो दूसरी चीज़ है कि ब्लैंकेट्स वगैरह, दो टाइप के ब्लैंकेट होते हैं, एक तो मोटे वाले ब्लैंकेट होते हैं और एक होता है एसी ब्लैंकेट, कि एसी में उड़ाने के लिए जो ब्लैंकेट होता है, तो अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे वो आप ले लेना। एक और जो चीज़ है वो है क्विक ड्राई शीट होता है, जो कि आपको बेड के ऊपर बिछा देना है। क्यों? क्योंकि बच्चे को हो सकता है कि सुसु कर दिया, पॉटी कर दिया, किसी टाइम पे अपने डायपर नहीं पहनाया हो, तो फिर सुसु कर सकता है, पूरा बेड गीला हो सकता है और उसी पे अगर बच्चा सोया रह गया तो उससे सर्दी खांसी लग सकता है, जो कि एकदम न्यू बॉर्न स्टेज में सर्दी खांसी लगना बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, जो कि सही नहीं होता है। तो आप एक क्विक ड्राई शीट ले लेना, बेड के ऊपर आपको, मैट्रेस के ऊपर आपको बिछा देना है, और वो ड्राई शीट के ऊपर में भी आपको एक कॉटन का कपड़ा बिछा करके रखना है, जिससे कि वो जो ड्राई शीट है थोड़ा सा तो हार्ड होता है बच्चे के शरीर के लिए, तो आपको एक उसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा बिछा देना है। कोई भी कॉटन का बेडशीट हुआ या फिर कॉटन के अलग क्लोथ्स वगैरह ऑनलाइन मिलते हैं बच्चों के, तो वो बिछा देना, उसके ऊपर बच्चे को आपको लिटाना है। इसके अलावा और एक जो चीज़ जो ज़रूरी है वो है, बच्चों को मच्छर बिल्कुल भी नहीं काटने देना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक मॉस्किटो नेट आता है, एक ऊपर से रखने वाला आता है छतरी टाइप का, वो मॉस्किटो नेट खरीद सकते हो, या फिर अगर मेरी मानो तो एक बेड और नेट दोनों एक साथ मिलता है। अगर आप चेक करोगे मॉस्किटो नेट विथ बेड, अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा, उसमें जिप लगा हुआ रहता है, आप वो वाला खरीद सकते हो, वो बहुत ही अच्छा रहता है। बस जिप खोलो, बच्चे को अंदर घुसा करके सुला दो और फिर चादर बिछा देना है उस बेड के ऊपर, उसको अंदर बिछा कर सुला देना है और फिर उसके बाद जिप लगा दो, बस नेट का नेट भी होगा, बेडिंग का बेडिंग भी हो जाता है। तो ये जो मॉस्किटो नेट विथ बेड है ये खरीदना बहुत ज़रूरी चीज़ है। बाकी तो अगर छतरी वाली जो नेट है वो अगर आप खरीदना चाहो तो वो भी खरीद सकते हो। हो गया पहनाने का, हो गया ओढ़ाने का, हो गया क्लोथिंग का, हो गया। इसके अलावा आती हूँ मैं डायपर पे। तो डायपर पे ऐसा होता है कि बड़े बुजुर्ग अगर घर में है तो वो मना करते हैं कि डायपर ज्यादा मत यूज करो, उनकी बातें भी सही है किसी हद तक, बट अगर आपको ट्विंस है तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत होगा, कितना आप उनके लंगोट चेंज करते रहोगे और कितना उसको धोते रहोगे, और ऐसा भी है कि लंगोट में सुसु कर दिया है तो भीगा हुआ में आप रख नहीं सकते हो, तो तुरंत आपको चेंज कर देना है। तो डायपर जो है न्यू बॉर्न के लिए अलग डायपर होता है, फिर उसके बाद साइजेस जो है वो चेंज करते रहते हैं। तो डायपर आप यूज कर सकते हो, बट डायपर में एक चीज का ध्यान रखना है कि 2 घंटे से ज्यादा डायपर, 2 या मैक्सिमम 3 घंटे से ज्यादा जो है बच्चे को एक डायपर में नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि उसके बाद में ना
वो फिर जो थोड़ा स्किन है वो ब्रीथ भी करना चाहिए, और फिर रैशेस निकलने के संभावना हो सकता है। इसीलिए आपको कोशिश करना है कि 2 या 3 घंटे में आपको डायपर चेंज कर देना है। हो सकता है कि सुसु ना किया वो बच्चा डायपर में, या फिर हो सकता है हो कि पूरा सुसु से भर गया हो, जो भी हो आपको डायपर 2 या 3 घंटे में आपको चेंज कर देना है। और एक और जो चीज़ है मुझे जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है वो है कि अगर आपको ये चेक करते रहना है कि बच्चे ने डायपर में पॉटी किया है कि नहीं किया है। अगर बच्चा पॉटी करता है, चाहे वो डायपर में आप रखो या फिर लंगोट में आप रखो, अगर बच्चा पॉटी करता है तो आपको तुरंत उस पॉटी को साफ कर देना है, क्योंकि पॉटी से क्या होता है कि इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो यूटीआई इन्फेक्शन बच्चों में जो कॉमन है तो वो पॉटी की वजह से ही ज्यादा होता है। तो पॉटी अगर जब भी बच्चा करे तो तुरंत आपको उस पॉटी को साफ कर देना। पॉटी में ज्यादा देर बच्चे को, 5 मिनट भी बच्चे को पॉटी में नहीं रखना है। इसके अलावा अगर आप क्लोथ डायपर यूज कर रहे हो या फिर आप लंगोट यूज कर रहे हो तो सेम प्रिंसिपल उसके साथ भी है। आपको तुरंत अगर सुसु करता है तो तुरंत आपको चेंज कर देना है, 2-3 घंटे में लंगोट चेंज कर देना है, या फिर अगर पॉटी कर रहा है तो फिर पॉटी साफ कर देना है। और जो भी आपका अगर लंगोट पहना रहे हो, क्लोथ डायपर वगैरह जो भी पहना रहे हो, उसको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखना है। उसको डिटॉल में आपको धोना है। और एक और चीज़, यहाँ डिटॉल से मुझे याद आया कि जो क्लोथिंग वगैरह और बच्चे के पहनाने ओढ़ने की और लंगोट वगैरह जो भी है, उसका जो भी मैंने आपको अभी तक बताया है, बच्चे का जितना भी पहनने ओढ़ने का जो भी सामान है उसको आपको सिंपल प्लेन डिटॉल वाटर में आपको धोना है। सिंपल गुनगुने पानी में, गर्म पानी में आप बच्चे का जो भी कपड़ा है उसको धो देना है। जो डिटर्जेंट जो पाउडर आता है नॉर्मल हमारे कपड़े जिसमें धुलते हैं, उसमें बच्चों के कपड़े को मत धोइए, अवॉइड कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका जो स्किन होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। मैं बार बार बोल चुकी हूँ तो इसीलिए उसमें मत धोइएगा। या फिर बेबी डिटर्जेंट लिक्विड्स वगैरह भी आता है उसमें आप धो सकते हैं, लेकिन उनको नॉर्मल प्लेन डिटॉल पानी में उनके कपड़े धो दो, या फिर उनके जो डिटर्जेंट जो लिक्विड आते हैं बच्चों के उसमें धो दो। लेकिन जो डिटर्जेंट पाउडर होता है या फिर टिक्की होता है उससे घस घस के बच्चों के कपड़े मत धोइएगा, सिंपल पानी में उनके कपड़े को धोना है। 3 मंथ्स तक बच्चों को किसी भी तरह का, मेरे केस में जो हुआ था मैं बता रही हूँ कि 3 मंथ्स तक बच्चों को किसी भी तरह का तेल, साबुन, या फिर नहाना, या फिर मसाज कुछ, या फिर मॉइस्चराइजिंग क्रीम कुछ भी अलाउड नहीं था। डॉक्टर ने मना कर दिया था, बोला था कि 3 मंथ्स तक कुछ नहीं लगाना है, सिंपल प्लेन गुनगुने पानी में उसको एक कपड़ा लेना है, गुनगुना पानी लेना है, कपड़ा को उसमें डालना है, निचोड़ना है, उसको स्पॉन्ज कर देना है बच्चों को। और इसके अलावा और कोई भी क्रीम, लोशन, तेल वगैरह यूज नहीं करना है। तो 3 मंथ्स के बाद में जो भी लोशन वगैरह है वो हमने यूज किया था। 3 मंथ्स के बाद में क्या हुआ कि 3 मंथ्स के बाद में बच्चों को जो भी मसाज अगर आप करते हो तो जो सूट करता है, जो भी ऑयल, जैसे बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑयल होते हैं, ऑलिव ऑयल हुआ, कोकोनट ऑयल हुआ, मेरे जो डॉक्टर है उन्होंने कोकोनट ऑयल प्रेफर किया था बच्चों को मसाज करने के लिए, या फिर कुछ लोग सरसों के तेल होते हैं, बट सरसों के तेल अगर आप यूज कर रहे हो तो आप देख लेना कि वो अच्छा क्वालिटी का हो, केमिकल मिक्स वगैरह जो मार्केट में होते हैं उस तरह का तेल मत यूज करना बच्चों के लिए, क्योंकि उनका स्किन में रैशेज निकलने के ज्यादातर होता है कि पॉसिबिलिटीज की निकल सकता है। तो इसीलिए जो भी है अपना तेल जो बच्चों को सूट कर रहा है वो तेल से आप मसाज करना। जो सेकंड चीज है वो है मॉइस्चराइजिंग लोशन। तो मॉइस्चराइजिंग जो लोशन यूज कर रहे हो आप वो अच्छी क्वालिटी का यूज करना, और हमेशा ध्यान रखना कि नहाने के बाद में उनको लोशन अच्छी तरीके से आपको लगाना है, क्योंकि बेबी का जो स्किन होता है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होना चाहिए। अगर ड्राई हुआ तो दाने निकल जाएंगे, स्केल्स निकल जाएंगे, या फिर रैशेज निकल जाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटीज है। जो थर्ड थिंग है वो है कि पाउडर, पाउडर अगर आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, अगर ना यूज करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैंने नहीं यूज किया था, मैंने ज्यादातर मतलब लोशन ही लगाया था बच्चों को, तो
तो ये हुआ नहाने का, ग्रूमिंग का सब कुछ हो गया। तो ग्रूमिंग में आप क्या कर सकते हो, एक नेल कटर खरीद सकते हो। बच्चों का अलग टाइप का नेल कटर होता है, उसमें लाइट वगैरह लगा हुआ रहता है, वो नेल कटर खरीद सकते हो। नाखून उनके हमेशा मतलब देखते रहना, अगर बड़े हो रहे हैं नाखून तो फटाक से काट देना, क्योंकि नाखून से वो हाथ पर जब चलाना शुरू कर देते हैं तो नाखून से अपने स्किन को नोच सकते हैं और स्किन पे दाग लगा सकते हैं। तो नाखून हमेशा उनका देखते रहना है, नेल्स वगैरह उनका काटते रहना है। जो उसके बाद में ग्रूमिंग में और क्या कर सकते हैं, लोशंस वगैरह मैंने बता दिया, पाउडर वगैरह बता दिया मैंने, और हाँ बॉडी वॉश जो है, एक टॉप टू टो एक बॉडी वॉश होता है, बहुत सारे ब्रांड्स के होते हैं, वो अलग आप ले लेना। उनका अलग से शैम्पू वगैरह खरीदना या फिर अलग से वॉश खरीदना, ऐसा मैंने तो नहीं किया था। आपका अगर मन हो तो आप ले सकते हैं, बट एक ही वॉश काफ़ी होता है इनके बच्चों के लिए। तो टॉप टू टो वाला ले लो, उससे सर भी धुल जाएगा और पूरा बॉडी भी वॉश हो जाएगा जो भी है। इसके अलावा जो और एक जो चीज़ मैं सोच रही थी, और एक चीज़ जो ग्रूमिंग में जो काम आता है वो है, अगर आपके बच्चों के सर पे अगर कम बाल है तो कोई बात नहीं, होता है ऐसे हाथ से ही हो जाता है। अगर आपके बच्चों के सर पे बाल है तो उनका जो कोम्ब है, मतलब बाल अगर बना रहे हो तो उस टाइम पे आप हेयर ब्रश यूज़ करना उनके लिए कोम्ब वगैरह यूज़, जो नॉर्मल जो दांत वाले जो कंघी होते हैं वो यूज़ मत करना, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन होता है बच्चों का, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और 18 मंथ्स तक ये धीरे धीरे जा कर के हार्ड होता है। तो इसीलिए 18 मंथ्स तक बहुत ही सॉफ्ट होता है, ये वाला चीज़ पे बहुत ध्यान रखना है। चीज़ पे ज़्यादा कोई भी हार्ड चीज़ यूज़ नहीं करना है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं गिर ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए। तो कोम्ब वगैरह भी जो यूज़ करते हो वो दांत वाला कोम्ब मत यूज़ करना। उनका जो हेयर ब्रश होता है, बहुत सारे हेयर ब्रश मिल जाएंगे बच्चों के कोम्ब करने के लिए, तो वो आप खरीद लेना उनके बाल वाल बनाने के लिए, अगर बच्चों के सर पे बाल हो ज़्यादा तो। और मेरे बच्चों के केस में बहुत कम बाल था, जो भी था उसके लिए मैं हेयर ब्रश यूज़ करती थी। वापस आ गई मैं यहाँ पे, तो एक और जो कुछ बाकी की जो चीज़ें हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। जो सबसे पहले जो चीज़ जो नेसेसरी है वो है कि जब छोटे बच्चे घर में हो तो कुछ फर्स्ट एड के कुछ सामान घर पे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक है तो एक डिजिटल थर्मोमीटर घर में आप ज़रूर से रखना, क्योंकि जो नॉर्मल जो मर्क्यूरी वाले जो थर्मोमीटर होते हैं उससे बच्चों का इनकेस बुखार नहीं करे, बुखार है, क्योंकि बुखार आना बच्चों में बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर देता है, लेकिन फिर भी जो भी है एक डिजिटल थर्मोमीटर ज़रूर से रखना, क्योंकि नॉर्मल जो मर्क्यूरी वाले जो थर्मोमीटर होता है उसको बच्चों को मुंह में लगाए रखना 2 मिनट तक या फिर बाजू में लगाए रखना, उनको ये करना उनके साथ में पॉसिबल नहीं होता है। तो डिजिटल थर्मोमीटर होता है सिंपल, एक यहाँ पे टच करना है और फटाक से वहाँ पे रीडिंग आ जाता है। तो ये एक चीज़ आप ज़रूर से रखना अपने पास में। दूसरी जो चीज़ है, बच्चे को जो डॉक्टर जो पैरासीटामोल ड्रॉप्स वगैरह होता है, बुखार के जो ड्रॉप्स वगैरह होता है, वो अपने पास में ज़रूर से रखना। वैक्सीनेशन के टाइम पे तो ज़रूर से काम आता है ये, क्योंकि जो शुरुआत की कुछ वैक्सीन्स होते हैं जिसमें बुखार होना या फिर पेन होना, बच्चों को बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है और बुखार होना ये पॉसिबल होता है, तो पेन और बुखार का एक ड्रॉप्स वगैरह होता है पैरासीटामोल का, तो वो तो जो भी है वो आपके डॉक्टर रेकमेंड करेंगे, पूछ लेना उनसे वैक्सीनेशन के टाइम पे या फिर नॉर्मल बुखार वगैरह के लिए, ये ड्रॉप्स वगैरह अपने पास में ज़रूर से रखना। इसके अलावा उल्टी की दवाई, बच्चों का तो अलग ड्रॉप्स ही होता है छोटे बच्चों का, उनका कोई सिरप्स वगैरह नहीं होता, ड्रॉप्स होता है। तो उल्टी की दवाई या फिर कॉन्स्टिपेशन की दवाई या फिर गैस की दवाई, ये 3 चीज़ आपको ज़रूर से रखना है। जो सलाइन जो नेजल ड्रॉप्स होता है वो आपको अलग से रखना है, और बस यही सारे जो नॉर्मल जो मेडिसिन से फर्स्ट एड के, ये आपको अपने पास में रखना ही है, जिससे कि आपको एन मौका पर दौड़ना ना पड़े, इधर उधर ना जाना पड़े। और जो दूसरी जो चीज़ मैं बताना चाह रही थी कि ट्विंस के केस में एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो कि मैंने भी किया था, आपको भी मैं कहूँगी, क्योंकि ये डॉक्टर ने ही हमारा सजेस्ट किया था कि जब भी ट्विंस का कोई खिलाने पिलाने के लिए जो भी एक्सेसरीज वगैरह आप यूज़ कर रहे हो, कोई बर्तन वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो हमेशा 2 यूज़ करना। कपड़े तो शेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर जैसे बॉटल हुआ या फिर कटोरी चम्मच हुआ दूध पिलाने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो फिर आप 2 रखना, मतलब दोनों का अलग अलग रखना, दोनों को एक ही में शेयर मत करवाना, क्योंकि एक से फिर दूसरे, ऐसे तो ट्विंस है तो एक से दूसरे को
अगर एक को बुखार हुआ तो दूसरे को भी होने के चांसेस होते हैं, लेकिन कुछ अपना मतलब सेफ साइड में रहने के लिए ज्यादा आप जितना कोशिश कर सकते उतना करना, दोनों के लिए दो रखना, जैसे बॉटल हुआ तो दोनों का अलग अलग बॉटल्स हुआ, और अगर कोई कटोरी चम्मच यूज कर रहे हो तो अलग अलग रखना, अगर जो पिलाने के लिए जो सुतुही होता है जो झिनुक होता है वो रख रहे हो तो अलग अलग रखना, मतलब कुछ भी अगर आप यूज करो खिलाने पिलाने के लिए तो वो सारा कुछ आपको अलग अलग रखना है, कम से कम एक साल तक आपको वो अलग रखना है। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही काफी रहा, अब जो सेकंड वीडियो बनाऊंगी इसी सीरीज का तो उसमें मैं बाकी के कुछ कुछ और भी आपको इम्पोर्टेंट चीजें बताऊंगी जो कि मैंने भी रखा था अपना, जो कि मुझे बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ मेरा ट्विंस को संभालने में, तो वो सारी चीजें मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगी। हो सकता है कल डालूं या परसों डालूं, सेकंड नहीं आज वाला वीडियो तो कल डालूंगी तो हो सकता है परसों डालूं या फिर उसके बाद वाले दिन डालूं, बट सेकंड जो वीडियो है उसमें मैं आपको बाकी के सारी चीजें बताऊंगी। और फिलहाल मैं अभी जाती हूँ नाश्ता करने के लिए, तब तक के लिए ये सारी चीजें आप दिमाग में जरूर से रखिएगा। अगर आपको और कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड डू लाइक डू सब्सक्राइब डू शेयर माई चैनल, और बेल बटन को जरूर से हिट कीजिएगा जिससे कि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय।